हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 में वे 700 बसें ठेके लेने के विरोध में मंगलवार को रोडवेज बसों का चक्का जाम रहा। हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को देखते हुए यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 लाने के पक्ष में काम कर रही है। यह संशोधन बिल तमाम चालक परिचालकों के खिलाफ है, क्योंकि इस बिल की प्रक्रिया बेहद जटिल व उलझी हुई है। ऐसे में इस बिल के लागू होने से चालकों और परिचालकों का वाहन चलाना खासा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा सरकार 700 बसें ठेके पर लेकर रोडवेज बेड़े में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। ऐसा कर प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज विभाग को निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है, जो रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ अन्याय है। केंद्र व प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर ये राष्ट्रव्यापी विरोध है। तो रोड सेफ्टी बिल केंद्र सरकार ला रही है, जो कि आम जनता के लिए और ड्राइवर के लिए सबके लिए वो गलत है, क्योंकि इसमें बड़ा जुर्माना है, सजा है। दूसरी बात है, जो 700 बस जो हायर कर रखे हैं हमारी सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये दोनों मुद्दों पे आज पूर्णतः हरियाणा रोडवेज का पूरे स्टेट में बिल्कुल एक पहिया एक इंच भी नहीं रहे और ना ही आगे हिलेगा जब तक सरकार वापिस इनको नहीं ले लेगी रोड सेफ्टी बिल को, हायर का जो बसों का जो है। पिछले दिनों से लंबी मांग करते आ रहे हो, फिर भी सरकार ये बहुत काफ़ी लंबी मांग है, काफ़ी कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन सरकार इस पर बार बार हाँ भर लेती है। परिवहन मंत्री हाँ भर लेता है, लेकिन वो बाद में मीटिंग खत्म हुई अपने पुराने अपनाने से। हड़ताल अगर सरकार कुछ चेतेगी तो ठीक है, नहीं तो अनिश्चितकाल में हड़ताल बदल सकती। रेवाड़ी से राजकुमार। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.